अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फुल मस्त रिकॉर्डिंग में खुश आमदीद। एक दोस्त बहुत बड़े होटल में ठहरे थे और जब उन्होंने कपड़े अपने उतारे तो उसमें अपना अंडरवेयर भी उतार दिया। तो अब अंडरवेयर ड्राई क्लीन डिपार्टमेंट में गया और वहाँ से किसी की कॉल आई कि आपके अंडरवेयर में दो छेद हैं। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था। अब एंड पे क्या हुआ उसके साथ, उसका हाल क्या निकला, फुल मस्त रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो। आदित्य जी, हाँ जी, आदित्य जी होटल से बोल रहा हूँ जहाँ आप ठहरे हुए हैं सर, ड्राई क्लीन डिपार्टमेंट से। कहाँ पे हो आप हाँ अभी, हाँ मैं बाहर हूँ सर। बोलिए। कहाँ पे हो आप अभी? रूम के बाहर हूँ, रूम में नहीं हूँ। ये आपका ये सामान यहाँ पे धोने के लिए दिया है मेरे को, अच्छा ये आपका बरमूडा है कि ये धोने के लिए जो आया है, हाँ जी बोलिए। हाँ ये इसमें प्रॉब्लम है सर। ये मैं बता रहा, मैं सोच रहा था मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये इसमें दो छेद है सर। तो छेद है। अरे आदित्य जी वाले रूम में से लेके आए हो ना उठा के, तो अभी जो लाए हो ये आदित्य जी का है। हाँ आदित्य जी, हाँ जी बोलिए। आपके बरमूडा में जो आपने सुबह कहा था होटल में ये ड्रैगलिन को जाएंगे कपड़े, मैं इसलिए इन्फॉर्म कर रहा था। दो छेद हैं, बड़े गंदे लग रहे हैं, दो छेद हुए हैं बरमूडा में, पागल होते बेवकूफ है। बरमुंडा में दो छेद कैसे होंगे? दो छेद हैं आपके बरमूडा में, मैं मेरे हाथ में बरमूडा है। मैंने सुबह उतारा है, हाँ मेरे कोई छेद नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा बरमुंडा उतारा है, धोने के लिए रखा है, उसको छेद का क्या है? सर, आपने जवाब आप देखो आप पहले, एक नहीं। मिनट एक मिनट, हाँ आप जी देखो हाँ जी, किसका है क्या है, पहले आप तलाश करो उसका। मेरा बरमुंडा बिल्कुल सही है। मैं वही बता रहा हूँ, 19 नंबर रूम में से लाए हैं। जब आप हाँ निकल जी रहे थे बोलिए। हाँ आपने जी आपने की दिया, मैंने कहा भाई उनके सामान उठा के ले आओ, वो आपके दो चार कपड़े लाए उसमें बरमूडा देखा दो छेद है। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ सर आपसे, आप झूठे बोलो तो आप मुझे समझ रहे हो, मैं पागल हूँ क्या? आपका नाम क्या है, नाम बताइए आप अपना। मैं रमेश हूँ सर, यहाँ पे ड्राई क्लीनर डिपार्टमेंट में हूँ। जाकर नीचे पता करिए, मैं बरमुंडा उतार के आया हूँ, दो छेद कैसे होगा? एक सर मेरी मान नहीं रहे हैं, आप बात करिए, बात आप करिए बात। जरा। हेलो हेलो, ये मैं भी यहाँ का सुपरवाइजर हूँ सर, ये ठीक बोल रहे हैं आप? रूम नंबर 19 में से जो बरमूडा मिला है उसमें दो छेद हैं सर। कहाँ दो छेद? ये गरीब आदमी, आप पे ऐसे इल्जाम नहीं एक लगाए है ना। मिनट, आप सुपरवाइजर हैं, एक मिनट आप बात सुनिए। हाँ जी आदमी खाने के लिए एक छेद अलग करेगा, पीने के लिए एक करेगा, मतलब सर, टॉयलेट अलग जाएगा सर ये तो और मैं कह बाथरूम नहीं, अलग जाएगा। मैं ये तो कह नहीं रहा कि आपको किस काम के लिए दो मिले, छेद लेकिन कहाँ से, दो छेद कहाँ से आ गए फिर? सर मैं भाई मेरे नहीं मान रहे, आप खुद ही बात कर ले, खुद ही बात। हाँ कराइए आप। सर मैं आपसे सिंपल ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको कि आपके बरमुंडा में दो छेद मिले हैं, इसमें आप गुस्सा क्यों खा रहे हो? कहाँ से हो जाएंगे? सुबह बरमुंडा उतार कर आया हूँ, उतार बिल्कुल कोई छेद नहीं है, फिर कहाँ से दो छेद होगा उसमें? सर मेरा क्या है, मैं छेद बंद कर देता हूँ मगर टांगे कहाँ से डालोगे फिर इसमें? तो आपके हिसाब से नहीं होने चाहिए थे, मैं दोनों छेद बंद कर रहा हूँ मगर बरमुंडा में टांगे कैसे डालोगे ये मेरे को चिंता है, क्या आप क्या खुद क्या देख क्या लेना। दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ बरमुंडा में टांगे कैसे डालोगे, अगर छेद बंद कर दूंगा तो फिर आप वो मत पागल करना। है अब तू, पागल है क्या? टांग पड़ेगी क्या होगा ये सोच रहा, पहले टांग वाले छेद में छेद कर रहा है छेद में। अरे बहुत बहुत तो सुपरवाइजर से बात करा पड़ेगा। सुपरवाइजर से बात कर लिया रुके। सर ये बच्चा भी ठीक कह रहा है, ये जो दो छेद है बरमूडा में अगर ये बंद कर दिए तो टांगे कहां से डालोगे अरे यार बेवकूफ वाले, काम करते हो आप लोग? अरे भाई साहब मजाक मत करो, मैं बस। काम की मीटिंग में बैठा हूँ, प्लीज। सर चक्कर ये है, हम 7:30 बजे रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ मिलके रोज मजाक करते हैं, उस मजाक को कहते हैं मिर्ची मुर्गा, आपका बन गया। बरमूडा के छेद बंद कर दे भाई, टांगे पता नहीं कहां से डालेगा। यार मैं तो चिल्ला के और हंस के भी थक गया हूँ सर, लेकिन आप ये मान गए कि बरमूडा में दो छेद हैं। छेद बहुत बड़े होते हैं, टांगे कुछ।